ओम शांति। 3 जुलाई साकार मुली। मीठे बच्चे, इस शरीर को न देख आत्मा को देखो। अपने को आत्मा समझ, आत्मा से बात करो। इस अवस्था को जमाना है, यही ऊंची मंजिल है। प्रश्न, तुम बच्चे बाप के साथ ऊपर घर में कब जाएंगे? उत्तर, जब अपवित्रता की मात्रा रिंचक भी नहीं रहेगी। जैसे बाप प्योर है, ऐसे तुम बच्चे भी प्योर बनेंगे, तब ऊपर जा सकेंगे। अभी तुम बच्चे बाप के सन्मुख हो, ज्ञान सागर से ज्ञान सुन सुन कर जब फुल हो जाएंगे, बाप को नॉलेज से खाली कर देंगे, फिर वह भी शांत हो जाएंगे और तुम बच्चे भी शांति धाम में चले जाएंगे। वह ज्ञान टपकना बंद हो जाता, सब कुछ दे दिया, फिर उनका पाठ है साइलेंस का। ओम शांति। शिव भगवान उवाच। जब शिव भगवान उवाच कहा जाता है तो समझ जाना चाहिए, एक शिव ही भगवान व परम पिता है, उनको ही तुम बच्चे व आत्मा याद करती हो। परिचय तो मिला है रचता बाप से, यह तो जरूर है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही याद करते होंगे, सब एक रस याद नहीं करेंगे, यह बहुत सूक्ष्म बात है। अपने को आत्मा समझ, दूसरे को भी आत्मा समझे, यह अवस्था जमाने में टाइम लगता है। वह मनुष्य लोग तो कुछ भी नहीं जानते, न जानने कारण सर्वव्यापी कह देते। जिस प्रकार तुम बच्चे अपने को आत्मा समझते हो, बाप को याद करते हो, ऐसे और कोई याद नहीं कर सकते होंगे। कोई भी आत्मा का योग बाप के साथ है नहीं, ये बातें हैं बहुत गुह्य महीन। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना है। कहते भी हैं हम भाई भाई हैं, तो आत्मा को ही देखना चाहिए, शरीर को नहीं देखना चाहिए। यह बहुत बड़ी मंजिल है, बहुत है जो बाप को कभी याद भी नहीं करते होंगे। आत्मा पर मैल चढ़ी हुई है, मुख्य आत्मा की ही बात है। आत्मा ही अब तमो प्रदान बनी है, जो सतो प्रदान थी, यह आत्मा में ज्ञान है। ज्ञान का सागर परमात्मा ही है, तुम अपने को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। तुम जानते हो हमको बाबा से पूरा ही ज्ञान लेना है, वह अपने पास रखकर क्या करेंगे? अविनाशी ज्ञान रत्नों का धन तो बच्चों को देना ही है। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उठाने वाले हैं, जो जास्ती उठाते हैं वही अच्छी सर्विस कर सकते हैं। बाबा को ज्ञान सागर कहा जाता है, वह भी आत्मा, तुम भी आत्माएं, तुम आत्माएं सारा ज्ञान ले लेती हो। जैसे वह एवर प्योर है, तुम भी एवर प्योर बनेंगे, फिर जब अपवित्रता की रिंचक भी नहीं रहेगी, तब ऊपर चले जाएंगे। बाप याद के यात्रा की युक्ति सिखलाते हैं, यह तो जानते हैं सारा दिन याद नहीं रहती है। यहाँ तुम बच्चों को बाप सन्मुख बैठ समझाते हैं और बच्चे तो सन्मुख नहीं सुनते, मुरली पढ़ते हैं। यहाँ तुम सन्मुख हो, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो और ज्ञान की धारणा करो। हमको बाप जैसा संपूर्ण ज्ञान सागर बनना है, फुल नॉलेज समझ जाएंगे तो जैसे कि बाप को नॉलेज से खाली कर देंगे, फिर वह शांत हो जाएंगे। ऐसे नहीं, उनके अंदर ज्ञान टपकता होगा, सब कुछ दे दिया, फिर उनका पाठ रहा साइलेंस का। जैसे तुम साइलेंस में रहेंगे तो ज्ञान थोड़े टपकेगा, यह भी बाप ने समझाया है। आत्मा संस्कार ले जाती है, कोई सन्यासी की आत्मा होगी तो छोटेपन में ही उनको शास्त्र कंठ हो जाएंगे, फिर उनका नाम बहुत हो जाता है। अब तुम तो आए हो नई दुनिया में जाने लिए, वहां तो ज्ञान के संस्कार नहीं ले आ सकते, ये संस्कार मर्ज हो जाते हैं। बाकी आत्मा को अपनी सीट लेनी है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, फिर तुम्हारे शरीरों पर नाम पड़ते हैं। शिव बाबा तो है ही निराकार, कहते हैं मैं इन ऑर्गन्स का लोन लेता हूँ,
वह तो सिर्फ सुनाने ही आते हैं, वह कोई का ज्ञान सुनेंगे नहीं, क्योंकि स्वयं ज्ञान का सागर है ना। सिर्फ मुख द्वारा ही वह मुख्य काम करते हैं, आते ही हैं सबको रास्ता बताने, बाकी सुनकर क्या करेंगे। वह सदैव सुनाते ही रहते हैं कि ऐसे ऐसे करो, सारे झाड़ का राज सुनाते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि नई दुनिया तो बहुत छोटी होगी, यह पुरानी दुनिया तो कितनी बड़ी है, सारी दुनिया में कितनी लाइट चलती है, लाइट द्वारा क्या क्या होता है, वहां तो दुनिया भी छोटी लाइट भी थोड़ी होगी, जैसे एक छोटा सा गांव होगा। अभी तो कितने बड़े बड़े गांव हैं, वहां इतने नहीं होंगे, थोड़े मुख्य मुख्य अच्छे रास्ते होंगे, पांच तत्व भी वहां सत्व प्रदान बन जाते हैं, कभी चंचलता नहीं करते, सुख धाम कहा जाता है, उसका नाम ही है हेवन। आगे चलकर तुम जितना नजदीक आते रहेंगे उतना वृद्धि को पाते रहेंगे, बाप भी साक्षात्कार कराते रहेंगे, फिर उस समय लड़ाई में भी लश्कर की अथवा एरोप्लेन आदि की दरकार नहीं रहेगी। वह तो कहते हम यहां बैठे सबको खत्म कर सकते हैं, फिर यह एरोप्लेन आदि थोड़े काम में आएंगे, फिर यह चंद्रमा आदि में प्लॉट आदि देखने भी नहीं जाएंगे, यह सब फालतू साइंस का घमंड है, कितना शो कर रहे हैं, ज्ञान में कितनी साइलेंस है, ईश को ईश्वरीय देन कहते हैं, साइंस में तो हंगामा ही हंगामा है, वह शांति को जानते ही नहीं। तुम समझते हो विश्व में शांति तो नई दुनिया में थी, वह है सुखदाम, अभी तो दुख अशांति है। यह भी समझाना है, तुम शांति चाहते हो, कभी अशांति हो ही नहीं, वह तो है शांतिदाम और सुखदाम में। स्वर्ग तो सब चाहते हैं, भारतवासी ही वैकुंठ स्वर्ग को याद करते हैं, और धर्म वाले वैकुंठ को याद नहीं करते, वह सिर्फ शांति को याद करेंगे, सुख को तो याद कर न सके। लॉ नहीं कहता, सुख को तो तुम ही याद करते हो, इसलिए पुकारते हो हमें दुख से लिबरेट करो। आत्माएं असल शांतिधाम में रहने वाली है, या भी कोई जानते थोड़े ही है, बाप समझाते हैं, तुम बेसमझ थे, कब से बेसमझ बने, 16 कला से 12-14 कला बनते जाते, माना बेसमझ बनते जाते, अभी कोई कला नहीं रही है, कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, स्त्रियों को दुख क्यों है, अरे दुख तो सारी दुनिया में है, अथाह दुख है, अब विश्व में शांति कैसे हो, अब तो ढेर के ढेर धर्म है, सारे विश्व में शांति तो अब हो न सके, सुख को तो जानते ही नहीं। तुम बच्चियां बैठ समझाएंगी, इस दुनिया में अनेक प्रकार के दुख है, अशांति है, जहां से हम आत्माएं आई है वह है शांतिधाम, और जहां यह आदि सनातन देवी देवता धर्म था वह था सुखधाम। आदि सनातन हिंदू धर्म नहीं कहेंगे, आदि माना प्राचीन, वह तो सतयुग में था, उस समय सब पवित्र थे, वह है ही निर्विकारी दुनिया, विकार का नाम नहीं, फर्क है ना, पहले पहले तो निर्विकारी पना चाहिए। इसलिए बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, काम पर जीत पहनो, अपने को आत्मा समझो, अभी आत्मा पवित्र है, आत्मा में खाद पड़ी है तब जेवर भी ऐसे बने हैं, आत्मा पवित्र तो जेवर भी पवित्र होगा, उनको ही वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। बर्ड का मिसाल भी तुम दे सकते हो, सारा झाड़ खड़ा है, फाउंडेशन है नहीं, यह आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं, और सब खड़े हैं, सब अपवित्र है, इनको कहा जाता है मनुष्य, वह है देवताएं। मैं मनुष्य को देवता बनाने आया हूं, 84 जन्म भी मनुष्य लेते हैं, सीढ़ी दिखानी है कि तमो प्रधान बनते हैं तो हिंदू कह देते हैं, देवता कह न सके क्योंकि पतित है, ड्रामा में यह राज है ना,
नहीं तो हिंदू धर्म कोई है नहीं। आदि सनातन हम ही देवी देवता थे, भारत ही पवित्र था, अब अपवित्र है तो अपने को हिंदू कहलाते हैं। हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन किया नहीं है, यह बच्चों को अच्छी रीति धारण कर समझाना है। आजकल तो इतना टाइम भी नहीं देते हैं, कम से कम आधा घंटा दे तब पॉइंट सुनाई जाए। पॉइंट तो ढेर है, फिर उनसे मुख्य मुख्य सुनाई जाती है। पढ़ाई में भी जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं तो फिर हल्की पढ़ाई अलफ बे आदि थोड़ी याद रहती है, वह भूल जाती है। तुमको भी कहेंगे अभी तुम्हारा ज्ञान बदल गया है, अरे पढ़ाई में ऊपर चढ़ते जाते हैं तो पहली पढ़ाई भूलती जाती है ना। बाप भी हमको नित्य नई नई बातें सुनाते हैं, पहले हल्की पढ़ाई थी, अब बाप गुये गुये बातें सुनाते रहते हैं। ज्ञान का सागर है ना, सुनाते सुनाते फिर पिछाड़ी में दो अक्षर कह देते, अलफ को समझा तो भी काफी है, अलफ को जानने से बे को जान ही लेंगे, इतना सिर्फ समझाओ तो भी ठीक है। जो जास्ती ज्ञान नहीं धारण कर सकते वह ऊंच पद भी पा नहीं सकते, पास विद ऑनर हो न सके, कर्मातीत अवस्था को पा न सके, इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। याद की भी मेहनत है, ज्ञान धारण करने की भी मेहनत है, दोनों में सब होशियार हो जाए सो भी तो हो न सके। राजधानी स्थापन हो रही है, सब नर से नारायण कैसे बनेंगे। इस गीता पाठशाला की एम ऑब्जेक्ट तो यह है, वही गीता ज्ञान है, वह भी कौन देते हैं, यह तो सिवाय तुम्हारे कोई जानते ही नहीं। अभी है कब्रिस्तान, फिर परिस्तान होने का है। अभी तुम्हें ज्ञान चिता पर बैठ पुजारी से पूज्य जरूर बनना है। साइंस वाले भी कितने होशियार होते जाते हैं, इन्वेंशन निकालते रहते हैं। भारतवासी हर बात का अक्कल वहां से सीख कर आते हैं, वह भी पिछाड़ी में आएंगे तो इतना ज्ञान उठाएंगे नहीं, फिर वहां भी आकर यही इंजीनियरिंग आदि का काम करेंगे। राजा रानी तो बन न सके, राजा रानी के आगे सर्विस में रहेंगे, ऐसी ऐसी इन्वेंशन निकालते रहेंगे। राजा रानी बनते ही है सुख के लिए, वहां तो सब सुख मिल जाने हैं, तो बच्चों को पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए। फुल पास होकर कर्मातीत अवस्था को पाना है, जल्दी जाने का ख्याल नहीं आना चाहिए। अभी तुम हो ईश्वरी संतान, बाप पढ़ा रहे हैं, यह मिशन है मनुष्य को चेंज करने की। जैसे बौद्धियों की क्रिश्चियन के मिशन होती है ना, कृष्ण और क्रिश्चियन की भी रास मिलती है, उनों के लेन देन का भी बहुत कनेक्शन है, जो इतनी मदद करते हैं, उनकी भाषा आदि छोड़ देना यह भी एक इंसल्ट है। वह तो आते ही पीछे है, न बहुत सुख न बहुत दुख उठाते हैं, सारी इन्वेंशन वे लोग निकालते हैं। यहाँ भल कोशिश करते हैं परंतु एक्यूरेट कभी बना नहीं सकेंगे। विलायत की चीज अच्छी होती है, ऑनेस्टी से बनाते हैं, यहाँ तो डिसऑनेस्टी से बनाते हैं। अथा दुख है, सबके दुख दूर करने वाला एक बाप के सिवाय और कोई मनुष्य हो न सके। भल कितने भी कॉन्फ्रेंस करते हैं विश्व में शांति हो, धक्का खाते रहते हैं। सिर्फ माताओं के दुख की बात नहीं, यहाँ तो अनेक प्रकार के दुख हैं। सारी दुनिया में झगड़े मारामारी की ही बात है, पाई पैसे की बात पर मारामारी कर देते हैं, वहां तो दुख की बात नहीं होती। यह भी हिसाब निकालना चाहिए, लड़ाई कभी भी शुरू हो सकती है। भारत में रावण जब से आता है तो पहले पहले घर में लड़ाई शुरू होती है, जुदा जुदा हो जाते हैं, आपस में लड़ मरते हैं, फिर बाहर वाले आते हैं, पहले ब्रिटिश थोड़े ही थे, फिर वह आकर बीच में रिश्वत आदि देकर अपना राज्य कर लेते हैं। कितना रात दिन का फर्क है,
नया कोई भी समझ न सके। नई नॉलेज है ना, जो फिर प्राय लोप हो जाती है। बाप नॉलेज देते हैं, फिर वह गुम हो जाती है। यह एक ही पढ़ाई, एक ही बार, एक ही बाप से मिलती है। आगे चल, तुम सबको साक्षात्कार होते रहेंगे कि तुम यह बनेंगे, परंतु उस समय कर ही क्या सकेंगे, उन्नति को पा नहीं सकेंगे। रिजल्ट निकल चुकी, फिर ट्रांसफर होने की बात हो जाएगी, फिर रोएंगे पिटेंगे, हम बदली हो जाएंगे नई दुनिया के लिए। तुम मेहनत करते हो, जल्दी चारों तरफ आवाज निकल जाए, फिर आपे ही सेंटर्स पर भागते रहेंगे, परंतु जितना देरी होती जाएगी टू लेट होते रहेंगे, फिर कुछ जमा नहीं होगा, पैसे की दरकार नहीं रहेगी। तुमको समझाने लिए यह पेज ही काफी है। यह ब्रह्मा सु विष्णु, विष्णु सु ब्रह्मा, यह पेज ऐसा है जो सब शास्त्रों का तंत सार इसमें है। बाबा बेज की बहुत महिमा करते हैं। वह समय आएगा जो यह तुम्हारे बेज सब नैनों पर रखते रहेंगे। मन मना भाव इसमें है, मुझे याद करो तो यह बनेंगे। फिर यही 84 जन्म लेते हैं। पुनर्जन्म न लेने वाला एक ही बाप है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, याद के मेहनत और ज्ञान की धारणा से कर्मातीत अवस्था को पाने का पुरुषार्थ करना है। ज्ञान सागर की संपूर्ण नॉलेज स्वयं में धारण करनी है। दूसरी पॉइंट, आत्मा में जो खाद पड़ी है उसे निकाल संपूर्ण वॉइसलेस बनना है। रिंचक मात्र भी अपवित्रता का अंश न रहे। हम आत्मा भाई भाई है यह अभ्यास करना है। वरदान प्योरिटी की रॉयलिटी द्वारा श्रेष्ठ जीवन की झलक दिखाने वाले विशेषता संपन्न भव। विस्तार ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्योरिटी की रॉयल्टी। जैसे रॉयल फैमिली वालों के चेहरे और चलन से मालूम पड़ता है कि यह कोई रॉयल कुल का है, ऐसे ब्राह्मण जीवन की परख प्योरिटी की झलक से होती है। प्योरिटी की झलक चलन और चेहरे से तब दिखाई देगी जब संकल्प में भी अपवित्रता का नाम निशान न हो। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं, लेकिन किसी भी विकार अर्थात अशुद्धि का प्रभाव न हो, तब कहेंगे विशेषता संपन्न ब्राह्मण आत्मा। स्लोगन, जो स्व का दर्शन करते हैं वही सदा प्रसन्न चित्त सर्व प्राप्ति के अधिकारी रहते हैं। ओम शांति। टू वॉच पीस ऑफ माइंड चैनल वीडियोस ऑन यूट्यूब, सब्सक्राइब अस ऑन youtube.com/tvpeaceofmind। जस्ट अ क्लिक फॉर अ पीसफुल लाइफ।